दोस्तों जिसका आपको मुझे हम सभी को इंतजार था वो आ चुका है। फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में काफी सारी चीजों के ऊपर आपको काफी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बेस्ट डील। और बेस्ट डील का मतलब सैमसंग का A80 मोबाइल जिसका MRP जो है वो तो 52,000 रुपीज था और जो फ्लिपकार्ट के ऊपर 41,000 रुपीज के अंदर मिल रहा था, लेकिन इस सेल के अंदर आपको ये मोबाइल जो है 21,999 रुपीज यानी कि 22,000 रुपए में 1 रुपया कम पे मिल रहा है। और वाकई में इस प्राइस पे ये स्टील अ डील है। रीजन उसके पीछे बड़े सिंपल से हैं। सबसे पहली चीज तो मेरा जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हमेशा प्रीमियम मोबाइल जो होते हैं उनके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, लोग हमेशा मोबाइल को सिर्फ एक चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है और प्रोसेसर कितना है। प्रीमियम मोबाइल के अंदर एक एक्स्ट्रा आपको लुक एंड फील देखने को मिलता है, एक हेड टर्नर देखने को मिलता है। जब आप आईफोन लेके जाते हैं ना तो दूसरे लोग देखते हैं कि यार आईफोन है, उसके अंदर एक फीलिंग होती है, यानी कि रैम और स्टोरेज ज्यादा है या कैमरा के मेगापिक्सल ज्यादा है। ऐसा ही हेड टर्नर है सैमसंग का A80 मोबाइल। रीजन उसके पीछे ये है कि आप अगर देखेंगे तो बैक और फ्रंट दोनों ही तरफ से देखने में फोन काफी लाजवाब लगता है। बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और पूरी एज टू एज स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। फुल व्यू डिस्प्ले है 6.7 इंचेस का और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ऑनेस्टली बताऊं तो यहां पर इसकी प्रीमियमनेस आपको देखने को मिलेगी। जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल जबरदस्त मिलने वाली है, मतलब कि कोई मैच नहीं होने वाला, एकदम प्रीमियम क्लास की डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और यार क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी अगर यूएसपी की बात करूं तो मेटल का बीच में फ्रेम आपको देखने को मिलता है, फ्रंट और बैक में आपको ग्लास की बॉडी देखने को मिलती है और मेटल को ग्लास के साथ इतनी अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फ्रेम किया गया कि जब आप इसको हाथ में लेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी एक प्रीमियम फोन की। और तीसरे प्रीमियम फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है इसका रोटेटिंग कैमरा, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस TOF सेंसर देखने को मिल जाता है 3D डेप्थ सेंसिंग के लिए। कुछ अच्छी बात जो इस कैमरे में मुझे लगती है, एक तो लाइव फोकस सैमसंग का मुझे वाकई में बहुत कमाल का फीचर लगता है, जहां पर आप वीडियो बनाते वक्त भी पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप 48 मेगापिक्सल के कैमरे से सेल्फी भी ले सकते हैं और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है 123 डिग्री तक काम करता है, यानी कि आप फ्रंट कैमरे में भी 123 डिग्री तक का अल्ट्रा वाइड एंगल की सेल्फी भी ले सकते हैं। तो ऐसे में जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही कमाल का ये फीचर होने वाला है और बहुत ही मतलब कि एक टशन नाम की चीज होती है ना, जो वो टशन आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कैमरा जब फ्लिप होकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं जब आप कहीं पर बैठे होंगे और एक सेल्फी लेने के लिए जब आप इस फोन को ऑन करेंगे ना तो ये बाकी सारे फोन्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगा यार, और आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस यहां पर होने वाला है। तो फ्रंट हो या बैक आपको दोनों ही तरफ काफी अच्छा कैमरे का एक्सपीरियंस होने वाला है, ये तो फॉर श्योर है। और प्रीमियमनेस आपको देखने को मिलने वाली है सेल्फी कैमरे के अंदर भी। बात करूं अगर प्रोसेसर की तो यहां पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है, 730G का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है यहां पर और गेमिंग के लिए भी काफी सही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। और यार ऑनेस्टली बताऊं 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है कि बिना किसी नॉच के एक डिस्प्ले है, तो आप पबजी वगैरह खेलोगे तो आपका बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है। बात करो अगर रैम और स्टोरेज की तो यहां पर आपको 8GB की रैम देखने को मिलने वाली है, साथ ही 128GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। तो मतलब 21,999 रुपए के अंदर आपको 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 730G का प्रोसेसर, फ्लिप वाला कैमरा, प्रीमियम डिजाइन। और बैटरी की बात करें तो 3700mAh की बैटरी यहां पर आपको देखने को मिलती है टाइप सी के सपोर्ट के साथ, साथ ही 25W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो 30 मिनट के अंदर आपका 50% बैटरी चार्ज कर देगा, तो फटाफट बैटरी भी आपकी चार्ज होने वाली है। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आपको 3.5mm का जैक जो है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी आपको बॉक्स के अंदर ही USB-C सपोर्टेड जो है ईयरफोन्स दे देती है, तो वो काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक फुल पावर पैक्ड फोन आपको मिलने वाला है 21,999 रुपए के अंदर। और सैमसंग पे मुझे पर्सनली काफी पसंद है, मैं सैमसंग गैलेक्सी S7 एज से जो है वो सैमसंग पे जो है वो यूज कर रहा हूं, और एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई देन डेफिनेटली आप बाकी ये कार्ड वगैरह यूज करना भूल जाएंगे, हर जगह पे आप अपने फोन को ही टैप करेंगे और उससे ही पेमेंट करेंगे, तो काफी प्रीमियम फीचर है सैमसंग पे भी।
तो कंक्लूजन की अगर बात करूं तो अगर आप 20,000 रुपए के आसपास की रेंज के अंदर कोई फोन लेना चाह रहे थे तो एक प्रीमियम फोन आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट की इस सेल के अंदर जो कि 21,990 रुपए के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A80 हो सकता है। हाँ डेफिनेटली पहले ये ओवर प्राइस्ड फोन था लेकिन आज की तारीख में डेफिनेटली वर्थ बाइंग फोन है 21,000 रुपए की रेंज के अंदर। कैसा लगा आपको ये वीडियो लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।